नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील में मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष स्वर्गीय दादा हजारीलाल रघुवंशी की जयंती के अवसर पर पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी ने अपने कांग्रेस के साथियों के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर मरीजों एवं वृद्ध आश्रम में पहुंचकर वृद्धों को फल वितरण कर अपने निज निवास पर दादा हजारीलाल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर जयंती मनाई। पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी ने कहा कि स्वर्गीय दादा हजारीलाल रघुवंशी जमीनी और तेज तर्रार नेता के रूप में अपनी पहचान रखते थे। वे 5 बार विधायक और कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे हैं, साथ ही कांग्रेस के अनुशासन समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। अपने 58 साल के राजनीतिक सफर में पार्षद से लेकर मंत्री और फिर विधानसभा के उपाध्यक्ष पद तक पहुंचे। नर्मदापुरम में उन्हें राजनीति का टाइगर भी कहा जाता था। वे आदर्श जीवन शैली और नियम कानून को मानने वाले नेता थे। उनका न होना कांग्रेस परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। इस अवसर पर पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी, पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सुशील खत्री, राधा वल्लभ अग्रवाल, सुधीर चंद्रायण, बाबा कलोसिया, विक्रम पटेल, देवेंद्र यादव, शशि साहू, नितिन राठौर सहित कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।